ने देवदान। चाची विधवा थी, धर्म कर्म में उनकी बड़ी श्रद्धा थी, दिन रात ईश्वर में लीन रहती। पड़ोस के लड़के उन्हें चाची ही कहा करते थे। वो उन्हें कृष्ण भगवान की कहानी सुनाया करती, प्रसाद देती, इसीलिए सब उन्हें घेरे रहते। अन्नपूर्णा पर चाची का बड़ा स्नेह था। उनके घर का बहुत सा काम वह कर जाया करती। प्रकाश भी स्कूल से पढ़कर उनके यहाँ खेलने आया करता। वहीं सायंकाल में बालक बालिकाओं का अच्छा जमाव होता था। उनके कोई संतान न थी, इसलिए सब बालक उन्हीं के थे। वो बाल लीला देखकर भगवान का स्मरण करते थे। कार्तिक में चाची एक मास नित्य गंगा स्नान करने जाया करती थी। अन्नपूर्णा और प्रकाश भी कभी कभी उनके साथ जाते थे। उनके उठने के पहले ही 3 बजे शिव मंदिर के घंटे की ध्वनि सुनकर अन्नपूर्णा उठती और कहती, जल्दी उठो नहीं तो चाची चली जाएंगी। स्नान करने के बाद चाची दीप दान करती थी। प्रकाश और अन्नपूर्णा भी दिए जलाकर गंगा में प्रवाहित करते थे और अपने अपने दीपक पर कुछ चिन्ह लगाकर उसे अंत तक देखा करते थे। प्रकाश ने कहा, देखो अन्नू, मेरा दीपक आगे चला गया, वो देखो तुम्हारा दीपक डूब रहा है। गंगा की लहरें दीपकों से किलोल कर रही थी। अन्नू कहती, लो तुम्हारा दीपक भी बुझ गया, वो देखो कितनी दूर चला गया। प्रकाश देखता ही रहा, उसका दीपक आंखों से उज्जवल हो गया था। चाची यह दृश्य देखकर मोहिनी मन प्रसन्न होती थी और दोनों भाई बहन को साथ लेकर घर लौट आती थी। 10 वर्ष समाप्त हो गए थे। पड़ोस के कई मकान गिरकर अब खंडहर हो गए थे। अन्नपूर्णा का विवाह हुआ, फिर प्रकाश का भी विवाह हुआ। सब संसार की चरखी पर झूल रहे थे। प्रकाश ने अब विद्वान और गृहस्थ होकर संसार में प्रवेश किया था। प्रकाश की स्त्री बड़ी सुंदर और सुशीला थी। कई वर्षों के बाद एक पुत्र भी हुआ। बड़े आनंद से दिन कट रहे थे। अन्न साल 6 महीने में आती और कुछ दिनों के लिए मेहमान होकर चली जाती थी। देव की लीला, प्रकाश बीमार पड़ा, फिर रोग सैया से न उठ सका। बड़े जवानी में चल बसा, सब उसके लिए आंसू बहाते। वह सरल था, नम्र था और होनहार था, इसीलिए उसका अभाव खटकता था। बहुत समय बीत गया। अन्नपूर्णा घर आई, कार्तिक मास था। चाची अब बहुत वृद्धा हो गई थी पर गंगा स्नान करने जाया करती थी। एक दिन अन्नपूर्णा उनके घर गई थी। विगत जीवन का वार्तालाप होता रहा। चाची ने कहा, अन्नु तेरे साथ स्नान किए कितने वर्ष हो गए, तुझे याद है? अन्नु ने आह भरते हुए कहा, वे दिन चाची क्या भूलेंगे, कितना मधुर समय था। अच्छा चल एक दिन मेरे साथ फिर स्नान तो कर ले। कल एकादशी है, चाची ने आश्वासन देते हुए कहा। दूसरे दिन अन्नपूर्णा अपने भाई के लड़के अरुण को लेकर चाची के साथ स्नान करने गई। घाट अब भी वैसा ही था, आकाश दीपक अब भी उसी तरह टंगे थे। गंगा तट पर एक स्त्री दीपदान के लिए सजाया हुआ दीपक बेच रही। चाची ने सदा की भांति दीपदान के लिए दीपक ले लिया। बालक अरुण आश्चर्य से पूछने लगा, ये क्या है चाची? दीपदान के लिए दीपक है बेटा, क्या होगा, चलो देख लेना, गंगा जी में बहाया जाएगा। अन्नपूर्णा मूर्ति के समान खड़ी थी। किसी पीड़ा ने कुछ देर के लिए उसके हृदय में डेरा डाला। उसका दम घुटने लगा। बहुत साहस करके उसने भी एक दीपक लेते हुए कहा, चाची मैं भी दीपदान करूंगी। स्नान करने के पश्चात अनु ने दीपक का प्रवाह किया। अरुण कौतूहल से देख रहा था। तारे आकाश से एक एक कर नष्ट हो रहे थे। दीपक बड़े वेग से बहे जा रहे थे। अनु चुप थी, उसे दीपक की मलिन ज्योति से दिखलाई दी, जैसे प्रकाश का छाया चित्र प्रकाश की तरफ उठ रहा है। सहसा अरुण ने आश्चर्य से कहा, बुआ वो देखो तुम्हारा दीपक डूब रहा है। अनु ने देखा, दीपक दूर शमशान के सामने तक पहुंच गया था और एक लहर ने दीपक को छिपा लिया। दीपक का मन उस प्रकाश शमशान की अग्नि की लपटों में विलीन हो गया। अन्नपूर्णा को चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया।
तो दोस्तों ये थी कहानी।